लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत पाकिस्तान से मुल्क भर में जारी मनमानी की रफ्तारियों का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया। निजी टीवी के मुताबिक 9 मई को जलाओ घेराव के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर में जारी क्रैक डाउन पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इंसानी हकूक की तंजीम ने हुकूमत पर जोर दिया कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। जिन सियासी कारकुनान ने पुरअमन एहतजाज किया उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर फॉर एशिया पैट्रिशिया गोस्मिन ने कहा है कि हुकूमत को अपोजिशन से हमदर्दी रखने वाले कारकुनान को रिहा कर देना चाहिए जो हिरासत में हैं, उनके कानूनी हकूक का पूरी तरह ख्याल रखा जाए।